सो हे गाइस, आई एम सिद्धार्थ। सो मैं फॉलो करने वाला हूँ नेक्स्ट 30 डेज के लिए उस बंदे का स्ट्रेंथ गेनिंग रूटीन जिसको किसी रिकॉग्नाइजेशन की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये रही उसकी एक झलक। And creating the discipline it takes to stay consistent. Now for today's exercises, doing all or even one of these every day for 30 days straight will make a huge transformation on your strength, body control, and overall physique. Each one of these exercises develops skill, muscle, burn fat, and build insane strength by mastering control over your body weight. So for the next 30 days, I want you guys to start the year strong and challenge yourself by working on all or even one of these five exercises I'm about to show you. Each one of these exercises take no equipment to perform, and you can even try a different one every single day. Just stay consistent and try not to miss a single day. So yes, I'm going to follow for next 30 days Chris Heria. इसका स्ट्रेंथ गेनिंग रूटीन बहुत ही ज्यादा अलग है। लेट्स सी मेरे 1 month के अंदर कितना स्ट्रेंथ गेन होता है। अभी की जो आज का जो मैंने शूट किया वो अभी क्लिप्स चल जाएंगी। सो यस, लेट्स सी 30 डेज में मेरे को क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। और क्रिस हेरिया है तो यू नो ही इज द किंग ऑफ कैलिस्थेनिक्स। सो लेट्स सी क्या चेंजेस आते हैं मेरी बॉडी के अंदर और कितनी स्ट्रेंथ गेन हो पाती है। तो जो एक्सरसाइज हम सबसे पहले करने वाले हैं वो प्लैंक लीन है। प्लैंक लीन के हमको करना है 10 repetition 2 sets। मैं इस वीडियो में सिर्फ एक ही सेट दिखाऊंगा, बट आप लोग 2 sets कर सकते हो। क्रिस हेरिया ने भी 1 ही set करके दिखाया था। आई डोंट नो उसने कितना किया कितने नहीं, बट आई विल गोइंग टू डू 2 sets। 5 करने के बाद तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। आई मीन ट्रस्ट मी, इट्स रियली हार्ड। जबकि मैं कैलिस्थेनिक्स ट्रेन कर रहा हूँ पिछले कुछ महीनों से, फिर भी मेरे लिए इसको फॉलो करना इज़ रियली टफ। आप लोगों का अगर फर्स्ट टाइम है तो आप लोगों को मेरे से भी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। बट हम लोग 1 month तक इसको फॉलो करेंगे एंड आई गारंटी इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। आफ्टर ऑल ये क्रिस हेरिया की ट्रेनिंग रूटीन है। सो या अभी फ़िलहाल हम इसके 10 repetition कंप्लीट करने ही वाले हैं। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। ओके, सो नाउ इट्स डन। सो अब थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे 2 to 3 minutes का, उसके बाद में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड एक्सरसाइज विच इज़ 90° होल्ड टो टच। और इसके हम लोग 20 repetitions करेंगे। और ट्रस्ट मी गाइज, इट वॉज रियली टफ। मेरे शोल्डर पूरी तरीके से फुल हो चुके थे और बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। एंड तक हालत ख़राब हो चुकी थी। सो ये हमारे 20 repetition हो गए। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड एक्सरसाइज। द थर्ड एक्सरसाइज इज़ हैंड स्टैंड होल्ड। हमको 5 seconds के लिए नीचे जाके होल्ड करना है एंड देन द फुल हैंड स्टैंड होल्ड। क्योंकि मैं नॉर्मली हैंड स्टैंड अभी अच्छे से नहीं कर सकता हूँ तो मैं वॉल पे कर रहा हूँ। आप लोग अगर कर सकते हो तो आप नॉर्मली भी कर सकते हो। सो नाउ ये हमारी 5 second हाफ होल्ड हो गया है, 5 second फुल होल्ड हो गया है। ये करने के बाद आप 5 to 3 minutes का रेस्ट कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ एक्सरसाइज विच इज बर्फीज। या तो हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है बर्फीज। इसके हमको 10 repetitions करना है एंड मैंने इसके 2 sets किए हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, मैं हर एक्सरसाइज के 2 sets करने वाला हूँ। सो या अब ये 5 या 6 के बाद में मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी इसके अंदर, सच बता रहा हूँ। आई मीन यार, और हाँ, इसके अंदर किस एरिया के अकॉर्डिंग आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा पुश करना है अपनी बॉडी को। लाइक अगर आप पुशअप्स की पोजीशन में जाते हो तो आपको पूरी फुल पावर से पुश करके ऊपर आना है हर सेट के अंदर, हर रेपिटेशन के अंदर। एंड इट वॉज रियली टफ। ये लास्ट 2 जो मेरे रैप्स थे ना, आई एम डेड ऑन दैट रैप्स। आई एम डेड, लिटरली डेड। इतना ऊपर पुश भी नहीं कर पा रहा था मैं, क्योंकि कृष्ण ने बोला है तो अब करना तो पड़ेगा और हमने चैलेंज ले लिया है तो करना ही पड़ेगा। इसके साथ मेरे 10 repetitions कंप्लीट हो जाता है। लेट्स मूव ऑन टू आवर 5th एक्सरसाइज एंड आवर लास्ट एक्सरसाइज जो कि है L-sit hold and a tuck L-sit hold for 5 seconds each। एंड आप लोग मेरे लेग्स देख सकते हो पूरी तरह शिविर कर रहे हैं। सो या आज के लिए इतना ही था। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। ये करने के बाद मेरी हालत पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी इस रूटीन के बाद में। तो अब मैं आप लोगों से मिलूँगा कल सेम वीडियो के अंदर इसी तरीके का। सो लेट्स सपोर्ट मी एंड जॉइन मी इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन।